दोस्तों, क्या आप कीड़ा जड़ी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कीड़ा जड़ी क्या होती है, कहाँ इसकी खेती होती है और इसकी खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कीड़ा जड़ी है क्या। दरअसल ये जो कीड़ा जड़ी है, जिसे आप यार्सा गुम्बा, कार्डियोसेप्स साइनेसिस के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्रकार की फंगस या फिर मशरूम होती है जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपने आप से उगाती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ के लोग इसे इकट्ठा कर लेते हैं और इसे सुखाकर बेच देते हैं। अगर बात करें देशी बाजार की तो यहाँ पर इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए किलो तक मिल जाती है, लेकिन अगर इसे विदेशों में बेचा जाए तो इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए किलो तक होती है। अगर आप इसे सुखाकर और इसका चूर्ण बनाकर बेचते हैं तो इसकी कीमत विदेशी बाजारों में 60 लाख रुपए किलो तक हो सकती है। ये जो कीड़ा जड़ी है, भले ही ये खुद से उगने वाली फसल है, लेकिन संरक्षित रूप से आज इसकी खेती करना संभव है। आप भी इसकी खेती कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। अब बताते हैं कि बाजार में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है। दरअसल इसमें प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2, B12 जैसे पोषक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। ये तत्काल रूप में ताकत देते हैं और अक्सर जब खिलाड़ी कोई ऐसी दवा का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके अंदर ताकत बनी रहे, तो वो अक्सर डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन इसे खाने के बाद में ऐसा नहीं होता। चीनी तिब्बती परंपरागत रूप से इसका इस्तेमाल चिकित्सा पद्धति में करते हैं। और तो और इसके और भी बहुत से उपयोग हैं। फेफड़े की बीमारी हो, किडनी हो, कैंसर हो, इसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे जीवन रक्षक दवा माना गया है। यहाँ तक कि इसे हिमालयन व्याग्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे सेक्स पावर बढ़ती है। अब आपको बताते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से उगती कैसे है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। दरअसल ये किसी कीट का कैटरपिलर है, यानी एक कीड़ा है। जैसा कि आपने देखा होगा, फूल गोभी से एक कीड़ा निकल आता है, कुछ ऐसा ही। और होता क्या है कि ये जो कीड़ा है, इसके ऊपर एक तरह की फंगस लग जाती है और वो फंगस इसे वहीं का वहीं जमा देती है और इसके अंदर से पौधा निकल आता है, जैसा कि मशरूम में होता है। मशरूम किसी भी चीज के ऊपर अपने आप ही उगाती है, इसी तरह से ये भी इस कीड़े के मुंह को फाड़ते हुए पौधा बाहर निकल आता है। बस यही है कीड़ा जड़ी, जो कीड़े और जड़ी बूटी का मिश्रण है। जब आप इसे देखेंगे तो आप आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि इसका आधा हिस्सा ऐसा होता है जैसे कि कोई कीड़ा हो, यानी कैटरपिलर हो, और आधा हिस्सा होता है मिर्ची की डंडी की तरह। कीड़ा जड़ी का सेवन दूध में मिलाकर, चाय बनाकर, पानी में घोलकर या फिर चूर्ण के रूप में किया जा सकता है। अभी तक तो हमारे देश में इसकी खेती नहीं की जाती थी, लेकिन उत्तराखंड की दिव्या रावत, जो मशरूम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, इसकी खेती करती हैं और करोड़ों का कारोबार भी करती हैं। यानी ये भारत में कीड़ा जड़ी की खेती करने वाली पहली शख्स हैं। इससे पहले संरक्षित वातावरण में कीड़ा जड़ी की खेती किसी ने नहीं की, सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही ये उगती थी। दिव्या इसकी खेती के साथ इसका व्यापार भी करती हैं और तो और ये लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी देती हैं। दिव्या बताती हैं कि कीड़ा जड़ी की 400 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और ये इसकी जो मिलिट्री प्रजाति है उसी को उगाती हैं। इसे तैयार होने में 60 से 70 दिन का वक्त लगता है। ये लिक्विड स्पॉन से इसे लगाती हैं, ठीक वैसा ही स्पॉन जैसा कि आप मशरूम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे दिव्या के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे अपने अगले वीडियो में, तो आप भी सीखें और करें तैयारी कीड़ा जड़ी की खेती की। हो सकता है कि तकदीर आप ही का दरवाजा खटखटा रही हो। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।